हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। बॉलीवुड में रामायण को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। डायरेक्टर नीतीश तिवारी इन दिनों देखे रामायण को लेकर काफी ज्यादा बिजी हैं। हाल ही में खबरें आई थी कि नीतीश तिवारी ने अपनी फिल्म रामायण के लिए रणबीर कपूर को भगवान राम के लिए कास्ट किया था। वहीं आलिया भट्ट को माता सीता के रोल के लिए भी फाइनल किया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने केजीएफ एक्टर यश को रावण के किरदार के लिए अप्रोच किया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि यश को रावण के रोल के लिए मेकर्स ने काफी बड़ा ऑफर दिया है, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि साउथ सुपरस्टार यश ने रावण बनने से साफ इनकार कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि यश रावण का किरदार करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एक बकायदे एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत करते हुए यश अपने फैंस को निराश नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने चाहने वाले केजीएफ के बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ हीरो के रोल में देखना चाहते हैं और ऐसे में उनके फैंस विलन के रोल में एक्टर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। सोर्सेस के माने तो यश इस बात को लेकर बहुत सचेत है कि उनके फैंस क्या चाहते हैं और इस वक्त वो उन्हें किसी नेगेटिव रोल में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते और उनका अपने चाहने वालों के प्रति विश्वास है और वो उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हैं और इसलिए वो इस रोल को नहीं निभाएंगे। अब आपको बता दें कि इस फिल्म को मधु मांतेना प्रोड्यूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए मेकर्स बड़े बड़े स्टार्स को अप्रोच कर रहे हैं। रणबीर और आलिया से पहले ही राम और सीता के रोल के लिए महेश बाबू और दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया गया था। वहीं रावण के रोल के लिए ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया था। ऋतिक ने भी देखिए इस रोल के लिए हामी भी भर दी थी, लेकिन बिजी शेड्यूल के चलते वो इस फिल्म को नहीं कर पा रहे हैं और अब यश ने भी रावण बनने से साफ मना कर दिया है। अब आपको ये बता दें कि नीतीश तिवारी के डायरेक्शन बनी इस फिल्म का 800 करोड़ रुपए का बजट बताया जा रहा है। फिल्म की अनाउंसमेंट दिवाली के मौके पर रिलीज की जाएगी और ऐसे में देखने वाली बात अब ये होगी कि रावण के रोल के लिए मेकर्स किसको फाइनली फाइनल करते हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा जरूर। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।